हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेंद्र गर्ग फ्रॉम बेस्ट सर्विसेज दिल्ली। आज मैं आपको बताऊंगा FA11 की इंस्टॉलेशन और उसका टेम्परेचर सेटिंग्स एंड सारी सेटिंग्स के बारे में। फर्स्ट इसके साथ जो हमारे पास आता है एक पावर कॉर्ड आती है। सबसे पहले हम पावर कॉर्ड को लगा देंगे। यहाँ पे इसका प्लग है। एक ये आता है प्रेशर कंट्रोलर, एक इसका स्टैंड आता है। यहां से दो पेज खोल के स्टैंड लगा देंगे पहले। इस तरीके से स्टैंड लगेगा। स्टैंड लगाने के बाद जिसका प्रेशर कंट्रोलर है इसका ये खोल लेंगे। इसमें आप देखेंगे यहां पे इन लिखा हुआ है और एक तरफ आपका आउट लिखा हुआ है। सेम मशीन में जो दो पाइपें हैं उसमें भी एक तरफ इन लिखा होता है एक पाइप के और एक तरफ आउट लिखा होता है। यहां पे आप देख सकते हैं इन की पाइप को हमें इन में डालना है। ये जो इन की पाइप है इसको इन में डालेंगे और जो आउट की पाइप है जहां पे आउट लिखा हुआ है उसमें इंसर्ट करेंगे। पाइप को जब हम लगाएंगे तो ये रेड बटन प्रेस नहीं करना, जस्ट हमने पाइप इंसर्ट कर देनी है। इस सिंपली दैट्स इट। इनकेस आपको पाइप निकालनी है तो इसको ऐसे खींचना नहीं है, जनरली लोग इसको खींच देते हैं। उससे पहले आपको ये रेड बटन प्रेस करना है, रेड वाला, उसके बाद पाइप निकालनी है। मैं एक बार और दिखा देता हूँ। लगाने के लिए सिंपल आप लगा सकते हैं, इसको प्रेस करके ये पाइप आपकी निकल जाएगी। इसके बाद ये नीचे से लाएंगे और ऊपर इसका लॉक इस तरीके से टाइट करेंगे। ये लगाने के बाद ही आप पावर ऑन करेंगे। ये पावर ऑन हो गया। अभी आप ये मशीन जब आपको मिलेगी ये लॉक होगी, ये ओपन नहीं होगी। उसको ओपन कैसे करना है ऑन करेंगे, हमारा बेस्ट सर्विसेज का लोगो आ जाएगा डिस्प्ले पे, उस पे आप कहीं पे भी प्रेस कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे 6 बटन है, मैं आपको बता देता हूँ सबका डिफरेंट फीचर। इसमें आपको सबसे पहले अनलॉक करने के लिए आपको जाना है बोथ पे। ये वाला जो टी बना हुआ है बोथ का बटन है, इसको दबाएंगे। उसके बाद सिर्फ बीच वाला जो है ई स्टॉप, इमरजेंसी स्टॉप, इसको आप प्रेस कर देंगे। ये आपका देखिए गैप आ गया ऑटोमेटिकली, ये आपका डोर ओपन हो गया। ये मशीन अब आपकी रेडी है यूज करने के लिए। उसके बाद इसमें कुछ सेटिंग्स करनी होती है, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। इमरजेंसी स्टॉप का पॉपअप गायब हो जाएगा, अभी गायब हो गया। इससे हम बैक बटन है, बैक जा सकते हैं। अब ये सारे इसके फीचर्स हैं। हर एक फीचर से मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज करना है, उससे पहले मैं आपको सेटिंग्स बताऊंगा। सबसे पहले हम टाइम पे जाएंगे। ये आप देख रहे हैं घड़ी सी बनी हुई है, इसमें टाइम का बटन दबा देंगे, इसमें ये सेटिंग आ गई। वैक्यूम को हम रखेंगे 50 पे, 50 और एंटर। और लेमिनेशन को भी हम रखेंगे 50 पे, 50 एंटर। उसके बाद बैक का बटन दबा देंगे, टाइम आपका सेट हो गया है। उसके बाद हम आएंगे टेम्परेचर पे, टेम्परेचर का बटन दबाएंगे। SV जो टेम्परेचर है उस पे जाएंगे, SV दबाया, यहाँ पे हम 60 एंटर। और किसी चीज को नहीं हमने छेड़ना, सिर्फ इसको SV को हम 60 पे सेट कर देंगे। अब आपकी मशीन प्रॉपरली रेडी है वर्किंग के लिए। अब आपको क्या करना है, आपने डिस्प्ले लगाई, आपने मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि कैसे इसमें डिस्प्ले लगाते हैं, मशीन को स्टार्ट कैसे करना है। अगर आपको सिर्फ बबल निकालने हैं तो आप बबल में जा सकते हैं। ये वाला है लेमिनेशन, अगर सिर्फ लेमिनेशन आपको करना है तो आप लेमिनेशन का बटन दबा सकते हैं। हम सजेस्ट करते हैं कि आप बोथ में जाइए, बोथ का बटन दबाइए और मशीन को स्टार्ट कर दीजिए। फर्स्ट ये लेमिनेट करेगा, देन इसको ये बबल रिमूव भी ऑटोमेटिकली कर देगा, आपको दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे ये जो सुई है ये नीचे रेड की तरफ आ गई है, इसका मतलब इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया है। जीरो पे होती है नॉर्मली सुई, ये सुई नीचे आके माइनस में आ गई है,
इसका मतलब इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया है, डोर ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। अभी ये वैक्यूम बना रहा है, यहाँ पे वैक्यूम का टाइम चल रहा है, आप देखेंगे 28 सेकेंड 29 30 31 32 जितना हमने टाइम सेट किया है, उसके बाद लेमिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। फिफ्टी होते ही लेमिनेशन स्टार्ट हो गई है। अभी आप देखेंगे पहले से नीचे थी, अभी यहां पे आ गई है 3 पे, इस वक्त लेमिनेशन हो रही है। ये आपको डिफॉल्ट सेटिंग मिलती है, इसका प्रेशर आपको चेंज नहीं करना होता। अगर बाई चांस प्रेशर छिड़ जाता है तो कैसे चेंज करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो लेमिनेटिंग प्रेशर है इसका वॉल्व बैक साइड में होता है, बैक साइड से आप उससे इसको चेंज कर सकते हैं। जनरली हम सजेस्ट करते हैं कि ऑलरेडी फैक्ट्री सेटिंग में जो आता है वो 3 के आसपास होता है, 2 से 3 के बीच में होता है, आप इसको ना छेड़ें। इनकेस अगर छिड़ जाता है तो पीछे आप पीछे की तरफ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड होता है बबल रिमूवर प्रेशर, वो आपका कंट्रोल होता है यहां से। इसका मैं आपको बताता हूं कैसे होगा। फर्स्ट लेमिनेशन कंप्लीट हो जाए, 46 सेकेंड हो गए, 47 48 49 50 50 सेकेंड होते हैं, लेमिनेशन खत्म हो गई, लेमिनेशन कंप्लीट हो गई है। अब ये बबल रिमूवर चालू हो गया है, बबल रिमूवर जिसमें आप देखेंगे ऊपर जानी शुरू हो गई है। ये 6 पे आके स्टॉप हो गई। अगर हम चाहते हैं कि बबल रिमूवर का प्रेशर कम कर दें, ये कम ज्यादा कैसे होगा, वो इससे होगा, मैं आपको बता देता हूं। ये लॉक अनलॉक होता है पहली बार, लोग जनरली नीचे अगर हम दबा देंगे लॉक हो गया, अब ये मूव नहीं करेगा, इसको अनलॉक करना पड़ेगा, अनलॉक करके ये मूव होगा। जैसे हम मूव कर रहे हैं यहां से, आप देखेंगे इसमें तो हल्की सी एयर छूटने की आवाज आ रही है, और अब आप इसको देखिए ये नीचे जाएगा प्रेशर। मैं इसको जैसे जैसे घुमा रहा हूं, इसके ऊपर लिखा हुआ है माइनस प्लस, माइनस की तरफ घुमाएंगे प्रेशर कम होगा, प्लस की तरफ घुमाएंगे प्रेशर बढ़ेगा। ये देखिए मैंने प्रेशर कम करता जा रहा हूं, प्रेशर निकले जा रहा है। अब मैं इसको दूसरी डायरेक्शन में घुमाता हूं, यहां देखिए प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ। यहां पे आप देखें प्रेशर, हम जनरली इस प्रेशर को बोलते हैं 4 से 6 के बीच में आप रख सकते हैं। फैक्ट्री सेटिंग इसकी 5.5 से 6 के आसपास आती है, वो ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ हल्के से बबल रह गए हैं तो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा सकते हैं। अगर बबल बाद में आ जाते हैं, अगर आपके मशीन में थोड़े दिनों बाद बबल आ जाते हैं, 2 घंटे बाद आप कह रहे हैं मशीन बना दी, डिस्प्ले बना दी हमने, और उसके बाद भी बबल वापसी आ रहे हैं 2 घंटे 3 घंटे बाद, तो हम सजेस्ट करते हैं प्रेशर को आप 4 पे सेट कर दीजिए। सो थैंक यू, बाय बाय।